हमार विंध स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। रीवा माही रस्तन का शर्मसार करे वाला मामला समूह आबा, जहां बाप अपने बिटियन के इज्जत तार तार करत रहा और बाप बेटी के पवित्र रिश्ता का कलंकित करत रहा। समाज के लोक लाज का देख के माँ घलाए चुप्पी साधी रही, पर जब बाप के करतूत नहीं रुकी तब बिटियन के संगे लिए माँ घरे से निकल के किराए के मकान में रह लाग। पर यहाँ उनका बाप से छुटकारा नहीं मिला, जिसके बाद माँ महिला थाना में शिकायत दर्ज करवाई नहीं बे। वह पुलिस आरोपी बाप के ऊपर पॉक्सो एक्ट के साथ है दूसरा उदाहरण में मामला का दर्ज कर आरोपी बाप का गिरफ्तार कर ली नहीं बे। आई सुनाई थे सलगे मामला में पुलिस का बताई रही है। ये परसों रात्रि में दो बच्चियों ने महिला थाना में आके शिकायत की कि उसके पिता के द्वारा पिछले 7 वर्षों के दोनों बच्चियों के साथ में गलत कार्य किया जा रहा था। उसके कारण से पिछले जब अगस्त के मैं उनके साथ गलत काम किया था, उसकी छोटी बहन के साथ जो नाबालिग है अभी, तो वो लोग घर से चली गई थी और किराए से अलग रहने लग गई थी। पिता उनकी माँ के माध्यम से लगातार उन पर दबाव बनाता था कि वापस आ जाएं, लेकिन वो लोग वापस नहीं गई। इसके बाद माँ को भी परेशान करने लगा था, तो माँ के द्वारा भी संबंधित थाने में 498 का प्रताड़ना का केस रजिस्टर करा रखा था उस पिता के खिलाफ में। वो केस चल रहा था कि परसों के दिन ये बच्चियां जब थाने पे आईं, माला थाना प्रभारी के द्वारा गंभीरता से उस मामले को सुना गया और तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध करके आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। सामान्य वर्ग से नर्स के नौकरी अफे अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र ले के प्रमोशन पावे वाले गांधी स्मारक चिकित्सालय में ही पदस्थ मैट्रन का उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद संचालक चिकित्सा शिक्षा उनका डिमोशन कर दी नहीं है। इस बारे में ही श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन का पत्र लिख के मैट्रन का स्टाफ नर्स के पद में कराए खातिर कहागा। इसके साथ है अनुसूचित जाति के नाम में मिले वाले सलगे लाभन का बंद कई दिन गहबे। गांधी स्मारक के मैटर्न उर्मिला मजूमदार का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के बाद साल 1996 में स्टाफ नर्स से वार्ड इंचार्ज और 2006 में मैटर्न में पदोन्नत कई दिन का रहा। जेखर शिकायत में ही उर्मिला तिवारी स्टाफ नर्स उच्च न्यायालय में याचिका दायर करे रही, जेके बाद न्यायालय शासन के नियमन के हवाला दे के या आदेश दिन ही बे। आई अपनों का सुनाई थे शिकायत करता का बताई रही हम। किस प्रकार से आपके द्वारा उनके ऊपर मतलब कुछ आरोप भी उनके ऊपर लगा था, तो आपके द्वारा एक प्रस्ताव जारी किया था, कैसा प्रस्ताव था, किस प्रकार के उनके द्वारा व्यवस्था फैलाई गई, क्या वो व्यवसाय क्या है कि पहले सबका मतलब सीआर खराब करती थी। जब समय मान वेतन मान नहीं लगा किसी को, बहुत लोगों को, तो समय मान जब वेतन मान नहीं लगा तब ये आदमी देखा गया कि सीआर निकलवा के देखें कि मतलब किसका किसका सीआर खराब है। तो कुछ लोग गए, कुछ लोग नहीं गए। एक अपना वार्ड बॉय था वो गया हाई कोर्ट, और मैं यहाँ पहले लिखित सबको दी, यहाँ दी, भोपाल में दी, फिर इसके बाद जब यहाँ नहीं कुछ वो हुआ तब फिर मैं हाई कोर्ट गई। आदेश अब ये आया है कि मतलब डीएमई के द्वारा आदेश आया है कि मतलब इनको तत्काल प्रभाव से स्टाफ नर्स के पद पर दिया जाए, मैट्रन की पोस्ट से इनको नीचे किया गया। जात प्रमाण पत्र इनका हुगली का जो बनाया गया था, पहले ये सामान्य जात की थी, क्योंकि हम लोग 6 मंथ आगे पीछे थे ट्रेनिंग में। तो ये मतलब हुगली का जो प्रमाण पत्र बनवाई थी वो फर्जी था और ये सामान्य जात की थी। और अभी वर्तमान किस जात के किस वर्ग का मतलब प्रमाण पत्र है? ये अभी अभी तो मतलब जो इसमें है जो शेड्यूल कास्ट है उसका प्रमाण पत्र ये लगाई थी, उसमें इनका प्रमोशन हुआ, पहले ये सामान्य जात की थी। मेरा नाम उर्मिला तिवारी। रीवा शहर के महिला थाना और सिविल लाइन थाना माही रात के इतवार का वो समय हड़कंप मच गया जब एक महिला हाथे में कुल्हाड़ी लिए थाना पहुंच गई। पहले तो महिला थाना जाए के पुलिसकर्मी का खरी खोटी सुनाई, एके बाद सिविल लाइन थाना पहुंच के खूब हंगामा मचाई, वहाँ पुलिसकर्मी का खरी खोटी सुनाई। घंटन चले हंगामा के बीच महिला थाना के बहिरे बैठ गई और पुलिस का ही करिया वो भाई। महिला कृष्णा गौतम दीनदयाल कॉलोनी के रहने वाली बताई जाती हैं। वह महिला के हंगामा के जानकारी बड़े अधिकारी का लगे के बाद पुलिस हरकत में आई और महिला का समझाए बुझाए के शांत करें। हमारी 6 बजे की कंप्लेंट लिखी है यहाँ और महिला थाना में, तो कर लेगा,
कृष्णा गौतम नाम है हमारा, संतोष तिवारी की लड़की, दीनदयाल कॉलोनी से पड़रा से आई हूँ। कुल्हाड़ी लेके आप पहुँची हैं सिविल लाइन, क्या क्या मामला है आपका? मामला ये है कि काहे जल्दी से नहीं हुई। क्या क्या मामला था? क्या आपने एफआईआर दर्ज कराया था? क्या मामला है बताएं पूरा। सिविल लाइन में महिला थाना से सिविल लाइन गई हूँ, वहाँ मेरी रिपोर्ट है। काहे की रिपोर्ट, किस बारे में, समस्या क्या है? एक स्त्री ने मेरे हाथ चलाया है। ये कब की बात है? ये अभी डेढ़ घंटे की बात है। ये काहे रिपोर्ट नहीं लिखी गई है आपकी? लिखी गई है सिविल लाना में, मैं खुद कायम स्वयं लिखी हूँ। रमजान के पवित्र महीना के मौका माही जामा मस्जिद छोटी दरगाह मस्जिद रीवा मा रोजा इफ्तार के कार्यक्रम माही पूर्व मंत्री और विधायक राजेंद्र शुक्ला शामिल भे। रोजा इफ्तार माही शामिल हुए के पहले उ छोटी दरगाह जामा मस्जिद मा चादर पोसी करें, जहां राजेंद्र शुक्ला का साफा पहनाए के उनखर फूल माला से स्वागत कीनगा। ए समय मुस्लिम भाई के संगे रोजा इफ्तार करें, वहां मौका माही शहर के वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। हम बुलेटिन के अगली खबर सतना जिला के कोटर तहसील के गाँव करही कला से हब, जहां पटवारी हल्का उदका के रमेश द्विवेदी के घरे काही नरवई के आगी अपने चपेट में लल हिस। वहीं रमेश के बिटिया सारिका के 3 मई का हलावन से बारात आवे वाली हबे, जबकि हादसा के शिकार द्विवेदी परिवार के लगे इतना इंतजाम नहीं आए कि वो 5 जने के खाए के व्यवस्था कर सका। यह नहीं अब तक नुकसान के सर्वे करे खातिर केव नहीं आवा, न मई के ढाड़स बधावे परिवार का पहुँचा। परिवार संबल योजना के हितग्राही आही तब के फिर के नहीं झाकिन, ऐसे माही चिंता है कि बिटिया के शादी हुई तो कैसन। सब बर्गर है घर को, सब बर्गर है। खबर सतना से हवाई, जहां उचेहरा थाना के कटरा मोहल्ला के रहने वाले शिव कुमार अबधिया बौली चौराहे माही स्टेट बैंक के लगे चाय समोसा का ठेला लगावा थमा। वहीं इतवार के शाम का लगभग 5:30 बजे जबलपुर के रहने वाले राजकुमार जायसवाल अपने साथी के साथ पहुंचे, शिव कुमार से उनके बड़ी बहनी के बारे में पूछताछ करी। युवक जाने चाहत रहा कि उनकर बहनी ये समय कहाँ रहा थी। वहीं जब शिव कुमार ये मामला माही खुद का अनजान बताई तो राजकुमार गाली गलौज कह के धमकाव शुरू कर दिन। यही बीच राजकुमार भट्टी में चढ़ी कड़ाही के उठाए के खौलत तेल शिव कुमार के ऊपर फेंक दिन। गरम तेल पड़ते ही शिव कुमार चीखे लगे, आवाज सुन के आस पड़ोस के लोग इकट्ठा भे और कुछ लोग ता राजकुमार के साथी का पकड़ दिन, लेकिन राजकुमार भाग निकला। वहीं सूचना मिले पर डायल 100 मौका में पहुंच के घायल शिव कुमार का नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराई निभे, जहाँ से उनका जिला अस्पताल का रेफर कर दिन गा। वही चेहरा पुलिस घायल के तबियत खतरा से बाहर बताई नहीं भाई। दुकान में था तो बगल वाली आई, उन्होंने चाय भी दिया, चाय देरी चली गई, वो अचानक गाड़ी सुधरा है और मुझे चेहरा बांधा रहा, वो लंबा लंबा रहा, वो फिर मेरे ऊपर जब्बा दिखा है तो वो खबर तेल डाल दिया, नीचे झुक नहीं पाया, खड़े रहा सामने झुकने में डाल दिया एकदम। खबर रीवा से है, जहां बिजली की समस्या को लेकर एनएसयूआई रीवा जिला के अमैया थाना के अधीक्षण यंत्री कार्यालय पहुंच के घेराव करें।
अधिकारियों के बहिरे न निकरे के कारण छात्रन के आक्रोश फूट पड़ा। इस समय छात्र जम के नारेबाजी करें, साथ ही कहीं के बिजली के समस्या शहर से लेके गांव तक बनी हबे। कौनो मेर से हॉस्टल और नियरे के रहे वाले लोग पानी के व्यवस्था करा थमा। NSY पदाधिकारी कहीं के भाजपा सरकार 24 घंटा पानी बिजली दे के बात कहा थी, लेकिन समस्या जस के तस बनी हबे। आई सुनाई थी NSY के पदाधिकारी का कुछ कह रहे हम। आज हम लोग अमहिया में MPB कार्यालय में, जहाँ से विद्युत वितरण होता है, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSY के मजबूर होकर छात्र आज यहाँ धरने में बैठे हुए हैं। यहाँ पे आधे एक घंटे से लगातार नारा लगाए जा रहे हैं कि ऐसी जहाँ बाहर आओ, कार्यपालन यंत्री बाहर आओ, कोई होश में आने को तैयार नहीं है, बाहर आने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अच्छे दिन आ गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इससे अच्छे दिन कब आएंगे, ये बताइए। करहिया में और मैदानी में, मैं अभी वर्तमान वहीं रहता हूँ, वहाँ की कंडीशन बता देता हूँ आपको। बिजली रहती है अगर वहाँ, तो बिजली इस प्रकार है कि पंखा डोलता है, ठीक है, एक बल्ब जल रहा, दूसरा बटन मार दो तो बंद हो जाता है। ये कंडीशन है यहाँ की। फ्रिज नहीं चल रहा है, फ्रिज की तो बात छोड़िए। रात को छत में बैठना पड़ता है 2-2 बजे तक रहवासियों को, ठीक है। बोर नहीं चल पा रहा, हम लोग पानी मंगा रहे हैं पीने के लिए सिर्फ। आप करहिया चले जाइए, आप देख लीजिए क्या कंडीशन है। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के 8-8 विधायक हैं, एक सांसद है, कौन इसमें बात करेगा और कौन जनता की समस्या हल करेगा? हम तो विपक्ष में हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम वहाँ के रहवासी हैं, आग यहाँ धरने में बैठे, कोई ज्ञापन लेने को तैयार नहीं है। कोई कहता है हमारे पास कोयला नहीं है, कोई कहता है हमारे पास बिजली उपलब्ध नहीं है, कोई कहता बिल नहीं जमा। मैंने कहा कि आप आइए, समय समय पर बिल लेने जब पहुँच जाते हैं तो लाइट देना पड़ेगा। पंखा नहीं चल रहा है 1 महीने से, लगातार CM हेल्पलाइन में कॉल किया जा रहा है, लगातार 19-12 में कंप्लेन की जा रही 15 दिन से, उसके बाद भी कोई निराकरण नहीं हुआ। आज हम सबको मजबूर होकर यहाँ धरने में बैठना पड़ रहा है। हम लोग बैठे हैं और ज्ञापन दे के जाएंगे। अगर आज आश्वासन मिला कि एक दिन का अल्टीमेटम दूंगा केवल, कल मैं वहाँ के रहवासियों को लेकर यहाँ के धरने में बैठूंगा, भूख हड़ताल भी करूंगा और रीवा बंद का भी आह्वान शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू भैया के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में हम लोग कार्यालय का घेराव करेंगे। किस तरह की दिक्कतें होती है? दिक्कत ये होती है, पहली बात तो बिजली कटौती हो रही है कंटिन्यू, ठीक है, उसके बाद लाइट का वोल्टेज सही नहीं है, जिसके वजह से एक पंखा नहीं चल पा रहा घर में, एक कूलर नहीं चल पा रहा, इतनी भीषण गर्मी है, पानी की समस्या हो रही है। आप पंखा कूलर की तो बात छोड़ दीजिए, पीने के पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा घर में, हम लोग बोतल मंगा रहे हैं, पानी का डब्बा मंगा रहे हैं। ठीक है, छात्रों को ये समस्या हो रही है कि छात्र जब पेपर चल रहे हैं कॉलेजों में कंटिन्यू, अभी 12वीं का रिजल्ट आया है, कोई तैयारी कर रहा है, किसी के घर में जब लाइट नहीं रहेगी इस भीषण गर्मी में तो वो पेपर नहीं दे पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, तो क्या रिजल्ट क्या लाएगा? इसकी जिम्मेदारी क्या शासन प्रशासन लेगा? जो फेल होगा छात्र, जो पढ़ नहीं पा रहा घर में, लाइट नहीं जल रही है, इतनी बुरी कंडीशन कांग्रेस सरकार में तो कभी गांव में नहीं हुई है, तो शहर है। खबर रीवा के झिरिया से अब है, जहां सैकड़न छात्र रात माही अपने मांगन कलई के कलेक्टर बंगला पहुंच गए और बंगला के घेराव कैदहीन। ये समय छात्र पत्रकारन से बताइन के उ शासकीय नवीन महाविद्यालय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास झिरिया रीवा के छात्राही, वह शासन के नियम से उनका 10 महीना तक के भोजन मिला था भाई, पर उनके छात्रावास में ही खाली 6 से 8 महीना तक का भोजन दिन जाता भाई। छात्र बताएं कि कुछ छात्र ऐसे वहां जनकर वार्षिक परीक्षा मई जून में रहा थी भाई और ऐसे हालत में छात्र पढ़ा के भोजन बनामा। एक साथ है छात्र कलेक्टर से गुहार लगाई नहीं भाई कि कम से कम उनका 10 महीना के भोजन दिलवावा जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह चौधरी है। छात्र लोग आए हैं, कई सारे लोग जी। क्या मामला? सर, हम लोग माननीय कलेक्टर जी से मांग करने आए हैं। इसके पहले हम लोग ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में सूचित कर दिया था, इसके बाद हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा बहुत सोच समझ करके, कि हमारे हॉस्टल में एक तो बिना सूचित करे खाना बंद कर दिया गया है। शासन के नियमानुसार 10 महीने देते हैं, लेकिन हमारे हॉस्टल में जितने भी हैं पोस्ट मैट्रिक, उनमें कभी लिस्ट नवंबर में तो कभी जनवरी के लगभग निकाली जाती है, लेकिन खास करके जुलाई से लिस्ट निकाल देनी चाहिए। जो भी नवीनीकरण छात्र थे जुलाई से खाना चालू हो जाता है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में ऐसे लिस्ट निकाली जाती है, और इधर अप्रैल के जैसे ही 30 अप्रैल हुआ, मतलब एक दिन भी खाना एक्स्ट्रा नहीं बनाते, तो सारे लड़के सुबह से मात्र दाल चावल खाए हैं। यहाँ तक अधीक्षक ने इसके अलावा सब्जी तक नहीं बनवाई कि रोटी बनवा दे, ओनली दाल चावल। बाकी सुबह से लड़के सारे भूखे हैं, अभी उसी के लिए मांग करने आए हैं कि हम लोग को मैस चालू किया जाए। खबर रीवा से भाई, जहां जिला के रायपुर करछुलियान माही उमरी मां मेधावी छात्र छात्रन का सम्मानित कीन गा।
पूरे प्रदेश भरे में उमरी गांव ऐसा पहल गांव हुई जौने माँ गांव के स्तर में ही सब विद्यालय के बच्चन का ही सामूहिक सम्मान समारोह आयोजित कई के उनका सम्मानित की इनका। आयोजक टीम के भैया अमर कुमार बताइन के जैसे मध्य प्रदेश बोर्ड के रिजल्ट आवा रहा वैसे हम पचे सोच लिए रहन के कुछ अलग करे कहबे अपने गांव के लड़कन का ही प्रदेश भर में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर में उनका पहचान दिवावे का है। एमा गांव के सहायक सचिव सरपंच सरोज मिश्रा महेंद्र पटेल सचिव के विशेष योगदान रहा। वहाँ अतिथि के तौर में ही थाना प्रभारी रायपुर करचुलियान पुष्पेंद्र यादव मेधावी छात्रन का सिल्वर मेडल दई के प्रोत्साहित करें। बच्चे लोग मेहनत करते हैं लेकिन उनको अपनी चीजें इतने अभाव इतने गांव में इतने संसाधन नहीं होते हैं फिर भी बच्चे लोग इतने कम अभाव में रहकर पढ़ाई करके अच्छा परसेंटेज लाते हैं गांव का नाम रोशन करता है। और ऐसा नहीं है कि कोई शहर से ही लाता है गांव के लोग ही बहुत ऊपर जाते हैं। सुचिता पांडे का नाम सुना होगा जो टॉप की है अभी मैयर से उसके पिताजी कोई खास वो नहीं किए थे। एक और लड़का है उसके ही माता पिता किसान थे 99% लाए जो एमपी में टॉप किया है 99.2% है। आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए या 90 से प्लस वाले कितने हैं खड़े होना 90% से ऊपर वाले खड़े हो बेटा। क्या नाम है आपका? हरिओम सोनी। कौन सी अभी 10th क्लास थी? 12th। कौन सी स्ट्रीम थी? बायोलॉजी। 10th में इसका 98 इनके बच्चे 94 को पार किए हैं ये बहुत कम पढ़े लिखे हैं पर बच्चों को। बुलेटिन की अगली खबर रीवा से है जहां अमहिया पुलिस कुछ ही घंटा में चोरी कीन ऑटो का बरामद कर ली है। अपना को बताई दी के फरियादी सत्येंद्र मिश्रा अमहिया थाना में रिपोर्ट दर्ज करे रहे कि केव अज्ञात चोर सिरमौर चौराहा से उनका ऑटो चुराए लई गया है। ये मामला में ही थाना प्रभारी तत्परता से कार्रवाई करके अपराध का पंजीबद्ध करके विवेचना में लीन जेके बाद सातिर चोर प्रिंस उर्फ लकी साकेत का गिरफ्तार कर लीन गया है और ऑटो का जब्त कर लीन गया है। वह आरोपी का न्यायालय में पेश कीन गया है। पूरी घटना सामने आई है क्या फरियादी सत्येंद्र मिश्रा ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उनका एक ऑटो है जो चोरी हो गया है। तत्काल पुलिस ने संज्ञान लेकर फरियादियों से पता रशी करवा के उनमें से किसी ने चोर को देखा हुआ था तो उसकी उनकी मदद से उसको गिरफ्तार किया गया उससे ऑटो जब्त किया गया और उसको आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। सर लगभग FIR के कितने घंटे बाद? जल्दी ही FIR दर्ज होते ही 2-4 घंटे के अंदर ही जो है ऑटो और चोर मिल गया था। आज के बुलेटिन में इतने बघेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।